हॉस्पिटल का सी फार्म आया है तो मुझे इम्पैनल होने में करीब 1.5 से 2 महीने जाएंगे। कुछ गवर्नमेंट के प्रोसीजर होते हैं, जैसे वो प्रोसीजर मेरा डन हो जाता है उसके बाद मैं ऐसे सरकारी जो स्कीम है उनसे जुड़ जाऊंगा। और आयुष्मान योजना है, ज्योतिबा फूले है, CGHS है, वो सब जिनके पास ये कार्ड है गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी दी है, अथोराइज की है, मैं उनका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर में एक ऐसा हॉस्पिटल खोल रहा है जो गोर गरीबों के लिए, अगर आप देखेंगे आम तौर पर आम नागरिक के जहन में अगर कोई घर का आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल का नाम आते ही कितना पैसा खर्च होगा, एक उनको ये एक्स्ट्रा टेंशन रहता है। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में एक नया हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, शानवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जहाँ पर केंद्र द्वारा जो भी सुविधा आएगी वो उन्हें बेनिफिट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो इनका चार्जेस है वो काफ़ी कम दरों में इन्होंने लोगों के लिए किया है। जिस तरह से अमूमन देखा जाए तो बड़े हॉस्पिटलों में ज़्यादा चार्ज किया जाता है, उसका डर इस हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर से, मनोज यादव से, क्या क्या सुविधा इस हॉस्पिटल में वो लोगों तक दे रहे हैं। सर, आज मजदूर दिवस है और हम लोग मजदूर दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसके उपलक्ष्य में हमारा हॉस्पिटल जो है कि उनके लिए समर्पित है हर तरह से। अगर कोई भी मजदूर किसी भी तरह से आता है, अगर वो असहाय है, दीन है, दुखी है, तो हम उसके इलाज के लिए तत्पर हैं और हम कमिटेड हैं। जिस तरह से आपने देखा कि आज महाराष्ट्र डे है, कामगार दिवस डे है, और आज के दिन ये हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और सबसे खास बात जिस तरह से नबी ने शुरुआत ही किया था, मैंने इनको रोका है कि खास करके कामगारों के लिए ये हॉस्पिटल है, और इन्होंने आज एक फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है। बाहर आपने मेरा फ्री मेडिकल चिकित्सा कैंप चल रहा है सर, परामर्श, जिसमें हमने ECG, एक्सरे, ब्लड शुगर, BP और कुछ उनके जो वाइटल टेस्ट है उसको हम निःशुल्क किया हुआ है। निःशुल्क के साथ साथ सर, हम लोग हमारे पास जो कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, जो दूसरे दिन उनकी फ़ीस ज़्यादा रहते हैं या फिर कंसल्टिंग फ़ीस रहते हैं, वो आज माफ़ है। खासकर मजदूरों के लिए देखते हुए ध्यान में रखा गया है कि आज उनकी छुट्टी है, हॉलीडे मनाया गया है, इसकी वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने जो डाउट है या उनके साथ जो कंडीशन चल रही है, कोई मेडिकल चैलेंजेस हैं, उसको दूर करें। यहाँ पे कितने बेड हैं और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं आप लोगों को? जी अवधेश सर, हमारे पास इस हॉस्पिटल में 30 बेड के साथ हमने शुरुआत किया है। 8 बेड ICU है, जैसा मैंने बताया था पिछले बार में कि 8 बेड ICU है, जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर और CR मशीन, ऑपरेशन थिएटर में दूरबीन विधि से हम सारे ऑपरेशन करने में सक्षम है। हमारी टीम काफ़ी एक्सपर्ट है, जो कम से कम डॉक्टरों की टीम हमारे यहाँ रेसिडेंस भी है, जो इमरजेंसी पड़ने में हम तुरंत उनकी जान बचा सकते हैं। टेस्ट जो बड़े टेस्ट होते हैं जैसे कि CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, उसके लिए हमें बाहर रेफर करना पड़ता है, क्योंकि वो हम अभी एक्सपेंसिव है, हम उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ जो वाइटल टेस्ट होते हैं, रूटीन चेकअप होते हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, एक्सरे है, ECG है, वो मैं यहाँ पे अवेलेबल करा सकता हूँ, वो तुरंत उनको ट्रीटमेंट मिलके डायग्नोसिस बनाने के बाद ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। ऐसा सुनने में भी आया है कि आप किसी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, मंगल में कुछ जी। अपना ये है फाउंडेशन है, फाउंडेशन जी, मैं मंगल में संचय फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। ये हम हमारे संगठन का, हमारे संस्था का उद्देश्य यही है कि हम हॉस्पिटल से जुड़ के हॉस्पिटल में कुछ ऐसे तबके के लोग आ रहे हैं, अगर किसी वजह से वो सक्षम नहीं है इलाज कराने में, तो मैं उनके लिए कमिटेड हूँ, मैं उनका इलाज करके यहाँ पे उनको बाइज्जत, कोई उसमें कमी नहीं मिलेगी, उनसे कोई निःशुल्क सेवा रहेगा।
केंद्र द्वारा जो भी सुविधा आएंगी वो लोगों तक कब तक पहुँचे? जी, केंद्र वाली जो भी सुविधाएं आएंगी सर, हमारा हॉस्पिटल जब इम्पैनल हो जाएगा गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से, जब हम उसके कंडीशन में आ जाएंगे, अथराइज हो जाएंगे, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो जो भी गवर्नमेंट ने ESI, CGHS, महात्मा ज्योतिबा फुले, आयुष्मान भारत योजना के थ्रू, या कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं, जैसे हम TPA स्टार्ट करेंगे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमारे पास जुड़ेगा, उसके बाद हम उनका क्लेम करना शुरू करेंगे, उनका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर यादव जी ने जिस प्रकार से बताया है कि जब ये गवर्नमेंट के पैनल में आ जाएगा तो लोगों को केंद्र द्वारा जो भी सुविधा आएगी वो उन तक जरूर मिलेगी, और मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस तरह का हॉस्पिटल मीरा भाईंदर शहर में खुला हुआ है। यानी कि आम नागरिकों के लिए, जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो उसके नीचे रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल न जाके वो BMC जाते हैं या फिर लंबी कतारें लाइन लगाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ उनका ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे डॉक्टर मनोज यादव ने यहाँ पे ये हॉस्पिटल खोला है। तो बात करते हैं और भी लोगों, सभी जनता के लिए हमने ये हॉस्पिटल खोला हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि सरकारी सुविधा मीरा भाईंदर की जनता को, गरीब से गरीब जनता को मिले, हम इसी प्रयास में लगे हैं, और 2 से 3 महीने के अंदर ये जो सुविधा उनको मिलेगा। अगर जब तक ये नहीं है तब तक हम कोशिश करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए। इसी के उपलक्ष्य में आज हम मेडिकल कैंप रखे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधा जो है। एक बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, अगर इन्होंने ये पहल की है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है तो पिछले कुछ दिनों से मुझे भी सर ने अपने साथ जोड़ा है, और मेरी भी बड़ी इच्छा है कि लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि हम समाज से आते हैं और समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। समाज ने ही हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो हमारा दायित्व है कि उसको हम कुछ ना कुछ रिवर्ट दें। वो लोग जो असक्षम हैं, जो मतलब निचले तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल रूट लेवल के लोग हैं, जिन्हें ये सुविधाएँ मुहैया नहीं हो पाती हैं, या उनका सोचना ये है कि बड़े अस्पताल में जाके हमारा बहुत पैसा खर्च होगा, तो इस धारणा को बदलने के लिए शायद इस हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। लोग आएंगे, मिलेंगे, और तब उन्हें लगेगा कि नहीं, ये हमारे सोचना गलत था कि बड़े हॉस्पिटल सिर्फ पैसे वालों के लिए होते हैं। यहाँ उन सब व्यक्तियों का इलाज होगा जिनके पास कम पैसा है या जिनके पास पैसा है। सुविधाएँ हैं, सुविधाओं को लेकर जितना गवर्नमेंट सुविधा है, अभी 2-2.5 महीना लगेगा इनको उपलब्ध करने के लिए, गवर्नमेंट सुविधा के लिए जैसे आती हैं। तो मीरा भाईंदर में जिसके पास सुविधा, जो आयुष्मान कार्ड है, उस हर व्यक्ति को सुविधा दी जाएगी। और एक और मैं बताता हूँ, एक संस्था के नाते मैं बता रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में कोई भी ऐसा आदमी है, जो व्यक्ति है, जो गरीब है, जो हम लोग से टच में आएगा, जैसे समझ लीजिए हमारे इधर आया, तो मैं पूरा उसको कोशिश करूँगा कि ट्रीटमेंट उनका कम से कम रेट में होए और कम से कम पैसे में उनका खर्चा से काम निकले। फ़ायदा क्या है? फ़ायदे के लिए क्या है? एक कमाने के लिए नहीं हॉस्पिटल खोला है हमारे हिसाब से। मैंने जो हॉस्पिटल पूरा देखा, अच्छी सुविधा है इसमें, और आज के दिन फर्स्ट मे के दिन जो ओपनिंग किया इस हॉस्पिटल का, महाराष्ट्र दिवस, महाराष्ट्र दिन के दिन ओपनिंग किया, बहुत खुशी की बात है। और इस हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट मेरे को लगता है रोते रोते जाएगा। आजकल मीरा भाईंदर के अंदर सारे पेशेंट जो मरीज होते हैं वो रोते रोते जाते हैं। एडमिशन तो होता है, बाद में इतना बिल लगाता है मेरे सामने, मेरे को मालूम है बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं, फिर बिल माफ़ करो, ये करो, लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं होएगा। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे एरिया में जो हॉस्पिटल नहीं था आजू बाजू में, और इधर हॉस्पिटल। मैं तो ये बताता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आज कामगार दिन के और महाराज डे के दिन हमारे परम मित्र मौर्या जी ने हमको यहाँ हॉस्पिटल खोले और मुझे बुलाए। इसके लिए मौर्या जी को मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, इनकी टीम को, सभी डॉक्टर को। और जिस हिसाब से डॉक्टर साहब और मौर्या जी मुझे बताए कि खास करके मैं गरीबों के लिए ये हॉस्पिटल खुला है, जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हॉस्पिटल में बड़े परेशान होते हैं। हम लोग तो आए दिन जाते रहते हैं 2-4 हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे मौर्या जी के ऊपर और डॉक्टर साहब से अभी बात हो रही थी, आप लोग का तो मैं सुन रहा था, मुझे बहुत भरोसा है कि गरीबों के लिए बहुत यहाँ से हेल्प मिलेगा। और ख़ास करके मैं गरीबों का नेता मीरा भाईंदर में आया तो मैं स्लम ही मुझे मिला, लेकिन स्लम से आज मैं कहाँ तक पहुँच गया, महाराष्ट्र तक पहुँच गया मैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे वालों के लिए, मौर्या जी आपको दिल से मैं बधाई देता हूँ, आपके सभी टीमों को।